भाई कितनी हमने बड़ी कितने बैग बस है दिया यार, तो अभी ऊपर एक और बैग दिया, एक खतरनाक। और बैग अरे अरे ट्राई अरे, करेंगे, नीचे ना चले जाए। आपको दिखाएंगे। चलिए करी गाइस, सुबह का चलो चलो मॉर्निंग। और हाँ, बुड्ढी कह रही थी अभी, बुड्ढी गई है वहां पे। चलो चलो, बस बस जा, बैठ बैठ जा। चल देते हैं अब नैनीताल को। हम आ चुके रोड पे, तो पीछे आपको बस दिख रही, इसी बस में आना हमने। तो चलिए मिलते हैं आपको सफर में हम। वाह, फील्ड ऐसा लग रहा है पूरा। अगर यहाँ पे पूरा फील्ड बना देना कोई, बहुत खतरनाक बनेगा। तो गाइस अभी हम थोड़ा रुके बेतालघाट के पुल के, इतना बड़ा भी फील्ड नहीं होता है। गाड़ी रुकती है, निकल चुके हैं। तो गाइस मुझे ऐसा पता नहीं था कि नैनीताल में ये सिस्टम भी की लाइन लगा चुके हैं टिकट काटने से। तो अभी हम अभी मैं लगाऊं लाइन रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं। रिक्शा मिली नहीं कब से यार, मेरी बारी पे आएगी। तो देखिए पूरी सड़क, पता नहीं कौन से रोड पे खड़ा हूं मैं, मुझे ये भी पता नहीं नैनीताल के, नैनीताल में बार रिक्शा मिला तो मतलब वो भी पता नहीं नैनीताल के बारे में। तो मुझे बहुत देर में पता चेक करिए मार्ग कहते हैं वो यार, कुछ अलग ही लेवल का मजा आता है आसमान के नीचे सफर करने में। और जरा भैया की यार हालत चेंज होती है, क्या करें। तो अभी हम माल रोड में चल रहे थे गाइस, ताल देखो यार, यहाँ से कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है यार, भयंकर लेवल, भयंकर। ये सीन चेक करेगा ये भाई, क्या ही अलग लेवल भाई। सही वैसे पर्यटक स्थल तो है यार नहीं भाई साहब, अलग लेवल का लग रहा है, अलग लेवल का। वो भी खुले आसमान के नीचे ऐसा सफर करना कुछ अलग ही लेवल का मजा। ये चेक करिए, हाँ तो भाई मुझे यहाँ पे एक से एक प्रकार की बोटें नजर आई थी, ये देखिए भाई अलग अलग डिजाइन की। तो ये चेक करिए गाइस, कोई लेने आ चुका है, मुझे सामने खड़ा है। तो वही चेक, तो ये चेक करिए गाइस, लेने आ चुका है। अब हम जा रहे हैं इधर घर को। चुके घर पे, जो कि यहाँ से सीधेगा इस, कैसा लग रहा है वहां से। तो दीदी के रूम में पहुंच गया। ये देखो हमारी छोटी परी रो रही है, उल्ले 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 उल्ले। ये देख, ये हेलो बोलता है, हेलो। अरे देखो फोन, ये चेक करिए गाइस, ये रो रही है। फोन जोड़, उल्ले कवा कवा। मैं ये वाली, कौन सी ये वाली, ये बहुत मीठा है, चाय पी है, ये अच्छा लड़का है। इधर देख, नाम बता अपना, नाम बता अपना, नाम बता। विनय बिस्ट बोलते मैं, तो मैंने से गोद में पकड़ लिया था। इधर देख, इधर देखो, इधर। तो दीदी अभी खाने में नहीं मिल ले, जल्दी खा लो ना, जल्दी खाना। हेलो हेलो बोलते पहले, इधर देखे हेलो। कवा कवा कवा, ये चेक करो गाइस, यहां से सीन भाई साहब कतई क्रेजी। चुका रेडी झोली की सब्जी, आज झोली और ये मैं चावल, बस चला। ओए बिनो, फोन छोड़, फोन छोड़, रो आप तू।
दिखाना क्या आनंद हो चुके थे रेडी पूरा, तो मिलते हैं खाने के बाद। चलिए किसको मारेगी, मारेगा थप्पड़ मार रहा मुझे तू। क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है तू? चावल बोल, चावल। गाइस तो आप हमने खाना ना खा लिया, तो हम चलते जरा उधर घूमने, आपको दिखाएंगे सब कुछ। बिन्नू चल रहा है घूमने, बिन्नू घूमी घूमी चल रहा है। चलो चलो इधर को देख, इधर को देख, बोल घूमी घूमी चल रहा है। हाँ बोलो घूमी घूमी, चलो बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस बोलो। और ये हमारी छोटू बहुत रो रही है। गाइस हम अपने घर से नीचे से आ चुके ऊपर, पूरा दीदी खड़े क्योंकि मैं कूड़ेदान से गया था कूड़ा फेंकने, वो चेक करिए हम नीचे से आ गए। तो चलिए अब चलते हैं जहाँ हमने घूमने आना है, यहाँ से ताल चेक करेगा इस कुछ अलग ही लेवल का आ रहा है। और ये मेरी गोद में बैठे क्योंकि इसे नीचे चला नहीं आ रहा है। तो आगे दीदी आ रही, देखिए क्या अलग ही लेवल का सीन आ रहा है यार। जंगल देखिए, जंगल जंगल बोली, जंगल 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 देखिए, आदिवासी की झोपड़ी जैसे लग रहे। बहुत पुराने यार। तो गाइस हम बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, जरा हम जा रहे हैं उधर। क्या है को रहते हैं क्या, तो वहाँ पे सही कराने जा रहे हैं। जरा बाकी खांसी होती है ना, इसलिए आदिवासी के झोपड़े जा रहे सही कराने। तो अभी हम हाँ, अभी थोड़ा दूर है पर घर, मैंने सोचा क्या टहलूंगा। ये देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज है जो है दूरदर्शन, जिससे यहाँ से देख सकते हैं हिमालय पर्वत। और यहाँ पे फोटो फ्रेम का भी, मतलब फोटो भी खींच सकते हैं। वो आई यहाँ से पूरा ताल दिख रहा था एकदम साफ जैसे, और स्टेडियम भी शांत शांत दिख रहा था। इस पूरे जंगल का एरिया ही एरिया, नीचे घर, घर चेक करो रे भाई। और यहाँ सब सबके टीले घर है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है ना, तो बर्फ़ खुद ब खुद फिसल जाती है नीचे को, क्योंकि लेंटर वाले घर में ऐसा नहीं होता है, उसमें ऊपर ही रहती है, तो खुद ब खुद फिसल जाती है। तो अभी जा रही दीदी आगे आगे। गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं, आप सोते जा रहे क्योंकि नींद आ रही है, कब से मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, जरा सोता हूँ। और इसने मुझे इतना दिमाग खराब किया ना गोद में, मैं वीडियो नहीं बना पाया आधे रास्ते की क्योंकि ये मेरे गोद में था। ओ इधर को देख, इधर को देख, सॉरी बोल, हाँ सॉरी बोल, इसमें सॉरी बोल, सॉरी सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी सॉरी। चलो गाइस सोते हैं, आप फिर मिलते हैं आपसे अभी। तो गाइस अभी बज के रात के 7:01, तुम आपको बाहर का व्यू चेक कराता हूँ रात का। चेक दिस आउट गाइस, क्या सुनहरा व्यू भाई रात का। देखिए लाइट ही लाइट है हर जगह, हर जगह लाइट ही लाइट भाई। हो चुकी है अब, देखिए अभी मैं घर से दूर लेके आया था, दूध फटी है, तो मैं क्यों ना सोच रहा हूँ उसका बनाया जाए वो पनीर, तो उसको छानते पहले। चेक करिए हम आप इसको करते हैं सही, दिखा जाएगा पनीर बनेगा नहीं बनेगा। ओ इसे पैर से दोबारा बनेगा, ये चेक करिए हमने निकाल दी अपनी पनीर। अब इसको जरा ठंडा होने देंगे, फिर पता नहीं कैसे करते, मुझे तो आता नहीं है भाई, खतरनाक हो गया। छोड़ो हम खाएंगे अपना खाना रात का। तो फाइनली गाइस हमारा रात का खाना बन चुका है, तो रात का खाना रेडी है पूरा हमारा, चाय लौकी और रोटी, और दीदी अभी बना रही। तो चलिए खाना के मिलते हैं।